एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन होने वाला है। इसकी अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। जानकारी के अनुसार रामलीला मैदान में 400 से अधिक संगठन जुटेंगे और किसान अभी सुबह से ही मैदान में आना शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में किसान सुबह सुबह मैदान में पहुंच गए। इधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि शर्तों के साथ महापंचायत की अनुमति दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 5000 किसानों को ही मैदान में जुटने की अनुमति दी गई है। साथ ही दोपहर 2:30 बजे के बाद कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद मैदान खाली करने के लिए कहा गया है। वहीं किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली की तीनों सीमाओं सिंधु, टीकरी और गाजीपुर पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भी सख्त चेकिंग चल रही है। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी की है। किसानों का कहना है कि सरकार एमएसपी पर कानून लेकर आए। किसान एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों का दावा है कि सरकार ने उनसे एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा किसान पेंशन, कर्ज माफी, बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी न करना और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ित किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग कर रहे लगातार। और आज रामलीला मैदान में किसान जुटने शुरू हो गए हैं। सुबह सुबह से ही काफी संख्या में किसान जुटी मैदान में पहुंच गए हैं। इसकी अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। जानकारी के अनुसार रामलीला मैदान में 400 से अधिक संगठन जुटेंगे और किसान अभी सुबह से ही मैदान में आना शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में किसान सुबह सुबह मैदान में पहुंच गए। इधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि शर्तों के साथ महापंचायत की अनुमति दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 5000 किसानों को ही मैदान में जुटने की अनुमति दी गई है। साथ ही दोपहर 2:30 बजे के बाद कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद मैदान खाली करने के लिए कहा गया है। वहीं किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली की तीनों सीमाओं सिंधु, टीकरी और गाजीपुर पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भी सख्त चेकिंग चल रही है। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी की है। किसानों का कहना है कि सरकार एमएसपी पर कानून लेकर आए। किसान एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों का दावा है कि सरकार ने उनसे एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा किसान पेंशन, कर्ज माफी, बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी न करना और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ित किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग कर रहे लगातार। और आज रामलीला मैदान में किसान जुटने शुरू हो गए हैं। सुबह सुबह से ही काफी संख्या में किसान जुटी मैदान में पहुंच गए हैं।